अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना आसिफ इस्लाम स्टेट एंड ड्रीम एक्स के प्लेटफॉर्म से। मेरी आज इस वीडियो को बनाने का मकसद उन लोगों की क्यूरी का आंसर देना है जो चाहते हैं कि बैरी टाउन कराची में विला बनाएं। तो थ्री टाइप के क्लाइंट हमें डेली बेसिस पर देखने को मिलते हैं कि उनकी क्यूरी होती है कि आया कि वो ग्रे स्ट्रक्चर विला लें या रेडी टू मूव विला लें या फिर प्लॉट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन कराएं। ये तीनों चीज़ें ही डिफरेंट हैं, इनकी प्राइसेस डिफरेंट हैं, इसके प्रोसेस डिफरेंट हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले बताता चलूँ कि मैं इस वक्त अली ब्लॉक के एक बहुत ही लश ग्रीन पार्क में मौजूद हूँ। अली ब्लॉक किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो लोग जो बैरियर टाउन से किसी न किसी किस्म की वजह से कंसर्न रखते हैं तो वो अली ब्लॉक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अली ब्लॉक आप कह सकते हैं कि एक एंड यूज़र प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, उसकी वजह कि जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने वाले जो विलाज हैं वो इसी प्रेसिडेंट में मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जी जो लोग चाहते हैं कि बैरियर टाउन कराची में विला बनाएं या फिर अली ब्लॉक में विला बनाएं, तो उनके लिए थ्री टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या तो ग्रे स्ट्रक्चर विला ले सकते हैं, या फिर रेडी टू मूव विला ले सकते हैं, या फिर प्लॉट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा जो ग्रे स्ट्रक्चर विलाज हैं। नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ग्रे स्ट्रक्चर विलाज की हमारे पास मौजूद है। ग्रे स्ट्रक्चर में हमेशा हमने देखना होता है कि जी उस पर कितना काम किया गया है, मींस कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुकी है। बहुत से विलाज ऐसे हैं जो कि अभी ग्राउंड फेस पर होते हैं और लोग किसी न किसी वजह से उनको पैसों की नीड होती है या किसी भी वजह से वो फिर सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर हमने प्राइसेस देखनी होती है कि इसकी प्लॉट की प्राइस क्या है और फिर इस पर कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो लगाया गया है वो कितना है। कुछ ग्रे स्ट्रक्चर विलाज हमें ऐसे मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट होता है लेकिन वो कंप्लीशन में नहीं जा रहे होते, तो ऐसे विलाज हमें मिलते हैं। तो इनमें डिफरेंस बताता चलूँ, जो हमें ग्रे स्ट्रक्चर है जो कि पूरा कंप्लीट हो वो तकरीबन हमें इस टाइम में एक 20 से 30 की ब्रैकेट में हमें यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर विला मिल जाता है एज़ पर उसकी कंडीशन क्या है, लोकेशन क्या है। जैसा कि मैं बताता चलूँ, 1600, 1700, 1800 की सीरीज़ है, वहाँ पर हमें ग्रे स्ट्रक्चर विला इवन के 1500 में भी मिल जाता है, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो रेडी टू मूव विलाज हैं जिसकी मार्केट में बड़ी क्यूरी है, उसकी वजह कंस्ट्रक्शन का जो रेट है वो कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें फिर ये है कि रेडी टू मूव विला आपको तकरीबन इस टाइम में मिनिमम बजट भी अगर मैं आपको बताऊं तो वो 55 से लेकर मैक्सिमम बजट 70-80-90 तक चल रहा है एज़ पर लोकेशन। कुछ कॉर्नर के विलाज भी हैं। बेसिकली जो विलाज की जो रेडी टू मूव विलाज हैं उनका जो प्राइसेस का जो आप कह सकते हैं डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है कंप्लीशन पर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है, आया कि वो लोकेशन उसकी क्या है, तो इस पर डिपेंड करती है। मज़ीद में जो थर्ड वन था, प्लॉट अगर आपके पास है आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो उसमें भी दो तीन चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि उसमें इस टाइम में करंट टाइम में आपको क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ रही है। अगर मैं बात करूं कि आपके पास 70-75 लाख का प्लॉट है और आप कंस्ट्रक्शन उस पर करवाना चाहते हैं, तो यही विला आपको 70-80 के दरमियान में पड़ जाएगा। नो डाउट जो रेडी टू मूव विलाज हैं उनसे थोड़ा महंगा आपको पड़ेगा, लेकिन उसमें यह है कि आप अपनी पसंद की कंप्लीशन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से क्लाइंट हमारे पास रेडी टू मूव के आते हैं तो उन्हें कोई ना कोई इशू होता है कि ये चीज़ मीन्स के किचन उन्हें थोड़ा वाइड चाहिए या फिर रूम थोड़ा वाइड चाहिए या फिर जो टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं कंप्लीशन उसमें अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो एक माइंड के साथ आप स्टार्ट से ही चल रहे होते हैं कि आपको ये एलिवेशन पसंद है या फिर ये आपको जो मैप उसको जो उसका अप्रूव कराया होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो बिल्डर होता है वो पूछ कर चल रहा होता है आपसे। ज़ाहिरी बात है आपका एक अच्छी खासी अमाउंट इसमें लग रही होती है, तो उस आपका राइट बनता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो कि जी आपका जो रूम आपको 3 बेडरूम चाहिए या फिर 4 बेडरूम चाहिए, तो आपकी नीड के मुताबिक कि आप फैमिली में कितने पर्सन हैं तो उसके मुताबिक होता है। समटाइम ये होता है कि रेंट टू मूव विला हमें पसंद आ जाता है, कोई भी मतलब कि उसमें कंप्लीशन भी अच्छी है हर चीज़ें, बट लास्ट जो इशू आता है वो यही कि जी हमें 4 बेड चाहिए या फिर 3 बेड चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं जब आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ें आपको ये आप कह सकते हैं कि दूर हो जाती हैं। तो इस लिहाज से अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं तो वो ये है कि आप कंप्लीशन में एक अच्छा खासा पैसा लगाकर आप मींस के बजट आपका वहीं आ जाता है जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में चल रहा है या फिर रेडी टू मूव में चल रहा है या फिर आप ग्रे स्ट्रक्चर लेकर उस पर कंप्लीशन कराते हैं। फर्दर अगर आपको अली ब्लॉक से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रीसेंट से बैरियर टाउन में कहीं भी आपको कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी है या फिर आप विला परचेज़ करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हैं।